en sjans for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker og stopp på meg, så jeg lener meg. अपने लापरवाही का नतीजा है। और भाई क्या हाल चाल आपके, कैसे हो सब? सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं फाइनली आ चुका हूँ इस वीडियो का पार्ट 8 लेके, जिसे मैं आप सबको बताता हूँ कि भाई फ्री फायर गेम के अंदर से कौन कौन से नए नए ग्लिच आए हैं जो आप सब फन के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिर गरेना को इसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। एंड गाइस थैंक यू सो मच पिछले पार्ट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। सो गाइस आज मैं अपने चैनल को ऐसे ही देख रहा था तो वहां पे मेरे को देखने को मिला कि भाई आप में से 78% से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सुरेश इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आप लोग मेरे से प्यार ही नहीं करते और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को डेली देखते हो, पसंद भी करते हो, लेकिन अभी तक आपने वो लाल वाले बटन को नहीं दबाया, तो क्या कर रहे हो? प्लीज जाके वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो एंड बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज की हमारी सबसे पहली ग्लिच जो है वो है कि आप किस तरह से एक ही जगह पे दौड़ते हुए भी जंप कर सकते हैं। सो गाइस अगर सामने कुछ इस टाइप का बंदा आएगा या फिर अगर यही सेम चीज आपके टीममेट के साथ होगी तो आपको क्या लगेगा? आपको ऑब्वियसली ये लगेगा कि भाई इसका नेट चला गया है और ये रिकनेक्ट करने गया है, लेकिन अगर सच में इसका नेट गया है तो फिर सुगैस ये बहुत ही छोटा सा और मजेदार ग्लिच है जिसके मदद से आप एक ही जगह पे दौड़ सकते हैं एंड उसी जगह उसी टाइम पे जंप भी कर सकते हैं। तो अब इसको ट्राई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। सो गाइस इस बग को ट्राई करने के लिए आपको सिंपली स्प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कि अपने कैरेक्टर को भगा देना है। एंड जैसे ही गाइस आप भाग रहे होंगे ना आपको उसी वक्त अपने मोबाइल के स्क्रीन को पूरी तरीके से ऊपर खींच देना है, यानी कि 90 डिग्रीज में, जैसा कि आपको इस क्लिप में दिख रहा होगा। तो जैसे आप ये दो छोटे से काम कर देंगे ना आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक ही जगह पे दौड़ रहा है एंड अगर आप चाहे तो आप उसी वक्त जंप भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे आराम से दिख ही रहा होगा कि मेरा जो स्प्रिंट का ऑप्शन है वो ऑन है एंड वो टावर के ऊपर जो चीज है वो गोल गोल घूम रहा है। तो गाइस ये काफी यूनिक है और रेयर है, आप सब ट्राई कर सकते हैं, अपने टीममेट के साथ प्रैंक कर सकते हैं कि देख भाई मेरा ट्रिपल लाइन हो गया यानी कि नेट चला गया, लेकिन मैं फिर भी तू लोग से आराम से बात कर पा रहा हूँ, जंप कर पा रहा हूँ और बेसिकली मजा ले सकते हैं गेम के साथ, ठीक है ना। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी ग्लिच की तरफ। सो गाइस आज की हमारी दूसरी ग्लिच जो है वो है कि आप किस तरह से फ्लैग इमोट के साथ कुछ इस टाइप का बग ट्राई कर सकते हैं। सुगैस इस बग को ट्राई करने के लिए आपके पास फ्लैग इमोट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास ये इमोट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अभी के टाइम में गरेना वाले हर एक रेयर आइटम को या फिर पुराने चीजों को नए नए इवेंट में लाके दे रही है। तो आई एम श्योर कि कुछ दिनों में ये वाला इमोट भी आ जाएगा एंड जब ये आएगा तो आप इसको लेके इस ग्लिच को ट्राई कर लेना, ठीक है। सो गाइस इसके लिए आपके पास एक गन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि भाई वो एसएमजी की गन है, एआर की गन है या फिर शॉटगन की गन है, यानी कि कोई भी गन चलेगा। तो उसके बाद आपको उसी गन को हाथ में पकड़े हुए इस चेयर के बिल्कुल बगल में चले जाना है एंड देन फ्लैग इमोट लगाना है, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे आप झंडा लगा रहे हैं ना वो झंडा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, यानी कि जमीन में टच होने से पहले आपको चेयर पे बैठ जाना है एंड जस्ट 2 से 3 सेकंड वेट कीजिएगा और 3-4 सेकंड बाद उस चेयर से उठ जाएगा। तो गाइस जैसे आप उठेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो झंडा है वो पूरी तरीके से आपके गन में घुस चुका है एंड अगर आप ध्यान देंगे तो भाई आपको लगेगा कि आपका कैरेक्टर ने अपने हाथों से उस झंडे को पकड़ के रखा है। तो गाइस ये काफी यूनिक है और रेयर है, क्योंकि ये वाला जो ग्लिच है ना ये आपके टीममेट्स को, आपके एनिमीज को, सबको दिखेगा, जिसकी वजह से आप सबको सरप्राइज दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई देखिए क्या हो गया और काफी मजा ले सकते हैं गेम के साथ, ठीक है ना। एंड गाइस इस बग के में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे आप उस गन से फायर करेंगे तो फायर करने के बाद आपके सामने जो रीलोड का एनिमेशन आएगा ना तो उसी एनिमेशन के साथ ही साथ आपका ये झंडा भी हिलेगा। जी हाँ गाइस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो गाइस ये काफी यूनिक है और रेयर है, आप सब ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आपको भी मजा आएगा। एंड गाइस बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे आप इस बग को कर रहे हैं ना तो दूसरा इमोट पे या फिर गन चेंज मत करना वरना ये जो झंडा है ये हट जाएगा। सो गाइस आज की हमारी तीसरी ग्लिच जो है वो काफी पुरानी है एंड बहुत टाइम से प्लेयर्स को परेशान कर रही है। अब गाइस इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस मान लो कि आप दिन का पहला गेम खेल रहे हो फ्री फायर के अंदर, तो ये बहुत ही ऑब्वियस रहेगा कि आपकी जो उंगलियां हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सेट नहीं होगी। अब इसी सेट ना होने के चक्कर में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके फिंगर जो है वो गलती से कभी ना कभी इधर उधर टच कर देंगे। अब गाइस मान लो कि आपके सामने
जो ये दो तीन डमी है ना, ये आपके रियल में एनिमी है। अब इन्हीं के साथ फाइट करते वक्त आपने गलती से, ठीक है, गलती से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब उसी क्लिक करने के चक्कर में आपका जो पूरा मोबाइल स्क्रीन है ना, वो पूरा ऑलमोस्ट 4 से 5 सेकंड तक अटक जाता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है। अब इसी अटकने के चक्कर में आपके सामने वाला बंदा आपको एक नोबड़े की तरह मार देता है, जो है उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड इरिटेशन होती है, क्योंकि भाई आप जानते हो कि आप उसको मार दोगे लेकिन ये ग्लिच की वजह से आप मर जाते हो। तो गाइस, आप में से कितने लोगों के साथ ये वाला ग्लिच या फिर बग हुआ है, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके जा रहे हैं, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के जा रहे हैं। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।